नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप के अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं और दूसरी तरफ क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं। क्वालिफायर मुकाबलों में शानदार उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिफायर मुकाबलों में एक इतिहास रचा गया। T20 विश्व कप 2022 की पहली हैट्रिक ली जा चुकी है और वो भी एक भारतीय खिलाड़ी के द्वारा। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है कार्तिक। कार्तिक ने T20 विश्व कप में पहली हैट्रिक ले ली है और वो भी श्रीलंका के खिलाफ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ कैसे खेल रही है, क्योंकि कार्तिक तो भारतीय है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ यूए का मुकाबला था। यूए ने श्रीलंका के खिलाफ जब मैच खेला, हालांकि श्रीलंका को इस मुकाबले में जीत मिली, लेकिन यूए की तरफ से खेल रहे कार्तिक मयप्पन जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक कारनामा कर दिया, हैट्रिक ले ली और ब्रैटली की लिस्ट में शामिल हो गए। दरअसल T20 विश्व कप 2022 की पहली हैट्रिक और मयप्पन कार्तिक ने लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर और उसके बाद में 17वें ओवर की अपनी लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने विकेट चटकाए और बड़े बड़े विकेट लेकर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। तो T20 विश्व कप 2022 की यह पहली हैट्रिक कार्तिक मयप्पन ने पूरी कर दिया। लेकिन कार्तिक मयप्पन का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। कार्तिक मयप्पन भारतीय मूल के हैं, चेन्नई के रहने वाले थे, 22 साल के खिलाड़ी हैं। साल 2012 में उनका परिवार भारत से दुबई शिफ्ट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा खेल यह है कि कार्तिक मयप्पन जब तक भारत में थे, तब तक कार्तिक मयप्पन चेस प्लेयर बनना चाहते थे, क्योंकि भारत में चेस के सुविधाएं हैं, चेस के खिलाड़ी आप बन सकते हैं। लेकिन जब वो दुबई पहुंच गए और वहां पर उनको चेस का माहौल नहीं नजर आया, तो मजबूरी में उन्हें क्रिकेट के मैदान पर आना पड़ा और आज वो मजबूरी ने उनको कामयाब बना दिया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कार्तिक मयप्पन ने हासिल किया है T20 विश्व कप में और अब कार्तिक मयप्पन आपको यूए की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने जाहिर तौर पर T20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिसने हैट्रिक ली हो। तो आपका कार्तिक मयप्पन के इस कारनामे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।